क्लास 8th के बच्चे ध्यान दें। कल मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित कविता ध्वनि के बारे में बताया था। जो पहला पद था उसके बारे में पद था हमारा कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गाते, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल करे फेरूंगा नित्यत कलियों परे जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसके बारे में मैंने बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो आज के जो युवा हैं उन युवा को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करने की बात बताई है। और उसके आगे कवि कहना चाह रहे हैं कि उस आगे की कविता है, पुष्प पुष्प से तद्रालसा लालस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं। क्या कह रहा है कवि? पुष्प पुष्प से तद्रालसा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अंत, है मेरे वे जहां अंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी बता रहे हैं कि जो युवा हैं उन युवाओं के आलस को दूर करने में कवि अपने नव चेतना का संचार करने की बात यहाँ कर रहा है। कह रहा है देखो, इस पद्य के अंदर जो भी कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्द के बारे में देखो। पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल, पुष्प का अर्थ क्या होता है फूल। तद्रालस आलस्य और नींद, तद्रालस आलस और नींद, इसका अर्थ क्या होता? तद्रा आलस नींद, दोनों का अर्थ आलस्य और नींद। लालसा, लालसा का अर्थ होता है इच्छा, लालसा का अर्थ क्या होता है इच्छा। नवे, नव यानी होता है नवीन या नया, नव का अर्थ क्या होता है नवीन या नया। सहर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्नता के साथ। सहर्ष और हर्ष में तो वो फर्क है। सहर्ष अपने किसी दाब के बिगर जो कार्य किया जाए, अर्थात अपने मन से जो काम किया जाए, प्रसन्नता पूर्वक जो काम किया जाए वह होता है सहर्ष। द्वार, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, द्वार का अर्थ क्या होता है दरवाजा। और अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ही न हो, जिसका कोई अंत न हो, अर्थात मैं इसके लिए बोलूंगा ईश्वर। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, अर्थात ईश्वर। अब इसके में इसे जो पद्य है हमारा, इस पद्य के की सह प्रसंग व्याख्या में सबसे पहले मैं संदर्भ एवं प्रसंग की बात करूंगा। तो इसका प्रसंग एवं संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश, जो प्रस्तुत हमारे पास ये काव्यांश है, ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। किसे लिया गया है? वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से है। इन पंक्तियों में कवि ने युवाओं के आलस्य को दूर करने में कवि नव चेतना, कवि किसकी बात कर रहा है? नव चेतना की बात कर रहा है, नव चेतना फैलाने की बात कर रहा है। तो अब कवि क्या कहता है व्याख्या में, इसकी व्याख्या क्या है? कवि कहता है पुष्प पुष्प से तद्रालस्य लालसा खींच लूंगा मैं। तो कवि कहता है कि जैसे जैसे वसंत, शुरू में बताया गया था कि उदाहरण किसका दिया गया है यहाँ, वसंत का। जैसे वसंत ऋतु आती है
वसंत को ऋतु का राजा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु के आने पर, वसंत के आने पर हमारे चारों ओर वातावरण रंग बिरंगा, सुनहरा, प्रसन्नता पूर्वक, सह उल्लास हो जाता है। तो क्या कह रहा है कवि, जैसे वसंत बंद कलियों से आलस्य, जैसे वसंत बंद कलियां, कलियां होती है, अधखिली कलियां होती है, वसंत आता है उस समय, उस अधखिली कलियां क्या हो जाती है, खिल जाती है। तो कवि क्या कह रहा है, वसंत बंद कलियों के से आलस्य सींच कर, बंद कलियों के आलस्य को खींच करे क्या कर देता है, उनको खिला देता है, खिला देता है, और उनमें अपना अमृत रस ढालकर नव जीवन का संचार करता है। अमृत करता है ना, अर्थात वो अधखिली कलियां पूरी तरह खिल जाती है। उसी प्रकार कवि क्या कहना चाह रहा है कि युवा के मन से जो आलस्य की भावना है उसको दूर, युवाओं के मन से जो आलस्य की भावना है उस आलस्य की भावनाओं को दूर करके उनके जीवन का आशा और उत्साह से भर देने की बात कर रहा है। अर्थात उनके जीवन में क्या आशा और उत्साह भर देने की बात कर रहा है। जैसे अधकल क्लिया खिल जाती हैं, उसी प्रकार उसके आलस्य से युक्त जो भावना है वो उस भावना में भी क्या आशा और उत्साह का भाव भर जाता है। वह द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत। अर्थात कवि फिर कह रहा है, वह अपनी कविता के द्वारा अनंत परमात्मा तक, अर्थात जिसका अंत ही न हो, अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखा रहा है। और पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा है, अभी तो मेरे पास क्या है, अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा है, अभी तक अपनी रचनाओं में अपने समाज को मैं मार्गदर्शन मुझे दिखाना है। अर्थात मेरी द्वारा रची गई जो रचनाएं हैं उस रचनाओं के माध्यम से समाज में जो लोग हैं, समाज हैं, उस समाज को नया मार्गदर्शन मुझे कराना है, अपने कर्तव्यों के प्रति उसको क्या चेतन कराना है, जगाना है। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा ये लिखित कविता आज के समाज पर पूरी तरह खरी खरी उतर रही है, और जिससे कि समाज में नव चेतन जागृत हो जाएं। इसके व्याकरण की बात करते हैं, हम भाषा की बात, जो भाषा की बात है इसमें देखो, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात काव्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात को जो विशेषता बताई जाती है वहाँ विशेषण होता है। तो हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए, जो है एक जगह पत्ते हैं उनके लिए क्या विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, आया है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है, क्योंकि पत्ते पात का अर्थ होता है पत्ते, और पत्ते एक नहीं होता है, अतः पत्ते बहुवचन के लिए है, तो बहुवचन के लिए आया है। जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो, अर्थात कर्ता एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। तो देखो यहाँ कर्ता एक वचन में है और विशेषण क्रिया क्या है, बहुवचन में है। देख रहे हैं, वह लंबी चौड़ी बात करने लगा, बहुवचन। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है, जैसे तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है, जो तीन बार खाती थी वह तीन बेर खाने लगी। तो एक शब्द बेर का अर्थ दो अर्थ में प्रयोग हुआ है, अतः वाक्य में चमत्कार आ गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई, यमक अलंकार है।
यानी शब्दों की एक दो या दो से शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उस शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले हैं, वह यमक अलंकार होता है। तो यहां पर भी क्या यमक अलंकार है, क्यों? क्योंकि तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। हाँ, कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्द की पुनरावृत्ति का अभ्यास होता है, जबकि दोनों प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का या मन का। मन का अपने मन से है, पर मन का एक छोटा कोई खिलौना होता है उसके लिए है। अब यहाँ कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, यहाँ विशेषण जिस संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताई गई है वह विशेष्य होता है अर्थात कर्ता। ऊपर दिए गए वाक्यों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण कर्मश कोमल मृदुल हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। इस प्रकार से यहाँ ये भाषा की बात बताई गई है